जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में हम लोग जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिएगा, टोटल पोस्ट इसमें रहेंगी 789। सिर्फ और सिर्फ आपको एक पोस्ट लेनी है, तो एक पोस्ट लेने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई करे आपका कुछ नहीं होगा, तो खूब पढ़ाई करिए। जितनी भी मेहनत करनी पड़े दिन रात एक कर देंगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे, और इस बार वर्दी लेकर ही रहेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग, क्योंकि इस बार 2021 में जो आपका पेपर होगा, मई 2021 में ऐसा ही पेपर सेम आपका आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी इसमें, ये आपको बताना है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। ऑप्शन सी जो है आपका दुर्गम, इस प्रकार से लिखा जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, बताइए शुद्ध वर्तनी किसकी सही होगी। ऑप्शन ए जो है आपका अन्वेषण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, जाह्नवी कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। जाह्नवी कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो अधोपतन कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सृष्टि कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सृष्टि। तो भैया मेरे कृपा कैसे लिखा जाएगा, काफी इजी है, आसानी से बता सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दयात्री, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। पोधन इत्र, यण संधि, गुण संधि, अयाति संधि, प्रति संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, पवित्र में होगा अयादि संधि, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि, इति धन आदि। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निरर्थक का संधि विच्छेद ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि निरर्थक में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान में रखना यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। धरेस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धरेस का संधि विच्छेद धराधन ईस, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निराशा का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि निराशा में कौन सी संधि है, तो निराशा में हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद ऑप्शन जो डी है आपका महाधन उषण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर्वाद, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आशीर्वाद, धन्यवाद। यदि पूछा जाए कि आशीर्वाद में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगी। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईस, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, सतधनमति, सन्मति का संधि विच्छेद ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका अनुधन अय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं चतुर्थ
24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में पांच महाव्रत ब्रह्मचार का सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोशाली। बताइए क्या आंसर होगा। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन जो डी है आपका तोशाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम, ए और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम, इसे अली गौहर भी कहा गया है, इन्होंने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने इलाहाबाद को कड़ा मानिकपुर प्रांत की राजधानी का दर्जा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका शाह आलम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, शेरशाह। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन जो डी है आपका शेरशाह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, वी आर अम्बेडकर। बताइए क्या आंसर होगा। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने गोखले भाई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी वर्ष 1955 में, यह पहली बार प्रकाशित की गई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी ये कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो बताइए क्या आंसर होगा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, मुकुट पर्वत। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ऑप्शन जो डी है आपका मुकुट पर्वत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा 8,586 मीटर, नंदा देवी 7,816 मीटर, कामेट 7,756 मीटर। तीन शीर्ष ऊंची भारतीय चोटियां पर्वत चोटियां है। ऊंचाई की दृष्टि से मुकुट पर्वत 7,242 मीटर का स्थान 19वां है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है? भद्रावती नदी पर, भद्रा नदी पर, तुंग नदी पर, तुंगरा भद्रा नदी पर। बताइए क्या आंसर होगा। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रावती नदी पर स्थित है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पांचवें स्थान पर है? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पांचवें स्थान पर ब्राजील स्थित है। विश्व के सबसे बड़े देशों का विवरण क्रमशः इस प्रकार से रहेगा: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑप्शन ए जो है आपका ब्राजील बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उदयगिरी के पत्थरों को काटकर बनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। उदयगिरी के पत्थरों को काटकर बनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन जो डी है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? द्रविड़, नागर, वेसर, इनमें से कोई नहीं। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है ये नागर के रूप में जानी जाती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ, यह आपको बताना है। ऑप्शन बी जो है आपका चोल वंश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा कौन था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा वो कौन था? ऑप्शन ए जो है आपका निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांस्कृतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से पहला सुल्तान कौन था जिसने भारत में सांस्कृतिक मुद्रा का प्रचलन किया? बताइए क्या आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? चौरी चौरा की घटना, डांडी मार्च, गांधी इर्विन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई, ये आपको बताना है। तो चोरी 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 चोरा की घटना जो हुई थी 5 फरवरी 1922 को, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, असम। निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? भारत में कच्चे रेशम के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम। कर्नाटक भारत में कुल रेशमी कपड़े का 56.25%, मध्य प्रदेश 40.26%, तमिलनाडु 1.87%, पंजाब 1.60% उत्पादन करते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? अनाईमलाई पहाड़ियां, अछाम्बू पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं? पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल को बनाती हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका नीलगिरी पहाड़ियां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर होगा? पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं पैंजिया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन सी जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के घटक हैं केवल लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा राष्ट्रपति व मंत्री परिषद, लोकसभा राज्यसभा व मंत्री परिषद। बताइए क्या आंसर होगा। भारतीय संसद के घटक हैं ऑप्शन बी जो है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची या चौथी सूची? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका पहली सूची बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका 1935 के अधिनियम द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पुणे। नेताजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के भारत में पटियाला, पंजाब, कोलकाता, त्रिवंतरम और बेंगलुरु में अकादमिक केंद्र स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर, चोल, पांडे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर, चोल, पांड। बताइए क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका कदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हेन सॉन्ग की भारत में यात्रा के साथ सूत्री सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उसने अपनी यात्रा 29 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ की। यात्रा के दौरान ताशकंद, समरकंद होता हुआ यह करीब 630 चंद्र की भूमि भारत के गांधार प्रदेश पहुंचा। गांधार पहुंचने के बाद हेन सॉन्ग ने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, वाराणसी, गया और कुशीनगर की यात्रा की। कन्नौज के राजा हर्ष के निमंत्रण पर वह हर्ष के राज के करीब 8 वर्ष रहने के पश्चात करीब 643 में स्वदेश वापस लौट गया। हेन सॉन्ग ने उस समय रेशम एवं सूत से निर्मित कौशे नामक वस्त्र का जिक्र किया था जिसका केंद्र वाराणसी था। इसके अतिरिक्त छोम लेन कंबल जैसे वस्त्रों का भी उल्लेख किया है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राममोहन राय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका स्वामी विवेकानंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? यरवदा जेल में, नैनीताल, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहां पर कैद किया गया था? ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जाते थी गांधी जी कस्तूरबा का महादेव देसाई को पूना स्थित आगा खां महल में कैद कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भावर, बांगर, खादर या फिर खोडोलाइन। बताइए क्या आंसर होगा, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? सो गाइस ये कहलाती है बांगर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका पेलियोजोइक महाकल्प में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी जो है आपका शुक्र ग्रह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष। बताइए क्या आंसर होगा, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्पस। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेक डेल फ्यूगो से पनामा तक लगभग 4700 मील तक विस्तृत है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है कितनी है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन बी जो है आपका 40 से 50 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है व्यवसायिक बैंकों का, विकास बैंक का, निवेश बैंक का, सहकारी बैंक का। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो जीवन बीमा निगम उदाहरण है निवेश बैंक का, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द म्यूस प्लॉस्ट साई के लेखक कौन है? पेग टायर, सलमान रशदी, पीजी बुढ़ाउस, मेरी हिगिन क्लार्क, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सलमान रशदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक, बताइए क्या आंसर होगा। भारत में मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण एवं समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक करता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में बांटने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार तथा झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा, बताइए क्या आंसर होगा। भारत में बांटने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? पश्चिम बंगाल तथा बिहार, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने भारत को पर्यवेक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया है? यूरोपीय संघ, नाटो, सीटीबीटीओ, G7, बताइए क्या आंसर होगा। किस संगठन ने भारत को पर्यवेक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया है? CTBTO, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 तक भारत प्रौद्योगिकी उद्योग में कितने रोजगार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 2.5 मिलियन। वर्ष 2023 तक भारत प्रौद्योगिकी उद्योग में कितने रोजगार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है? 3 मिलियन, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइज, यहाँ से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जनरल साइंस क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा अगला। अगर कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, उसका वेग एक समान ही होना चाहिए या फिर उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित होगा, बताइए क्या आंसर होगा। यदि किसी कण की गति एक समान हो तो उसका वेग एक समान हो सकता है या उसका वेग भिन्न भी हो सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं समता मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयुमंडल पर, क्षोभ मंडल पर। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका आयन मंडल में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण की बाहरी परत जो की सतह से 45 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले घेरे में स्थित है, आयनित गैसीय कणों से युक्त होती है और आयन मंडल के रूप में जानी जाती है। आयन मंडल में ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉनों और धन आयनों की उपस्थिति के कारण रेडियो संकेतों का परावर्तन हो जाता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कंपन स्वरित त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? परिवर्तन, अपरिवर्तन, प्रणोदित कंपन, अवमोदित कंपन, बताइए क्या आंसर होगा। जब एक कंपन करता हुआ स्वरित त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो अमंदित कंपन के कारण एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगे, एक्स किरण, पराश्रव्य तरंग, चुंबकीय तरंग। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है?
एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि ये निशान क्यों ऐसे लगाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। इससे ज़्यादा यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। निशान तो मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। आंसर मैं 2 से 3 सेकंड के बाद ही क्लियर करता हूँ। तो ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती हैं? ब्लैक बॉडी सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण अवशोषित करती है, जब ये सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण उत्सर्जित भी करती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है न्यूटन का पहला गति नियम सर कल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति नियम सर कल्पना देता है, ऑप्शन जो डी है आपका जड़त्व की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है आपको। रॉकेट न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्षयान एवं प्रक्षेपपथ विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग हैं लाल, पीला, नीला, या फिर लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, बैगनी, या फिर लाल, पीला, हरा। बताइए क्या आंसर होगा। स्पेक्ट्रम के मूल प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। ऑप्शन जो बी है आपका लाल, हरा, नीला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव के बारे में उबल गया, किसी द्रव के बारे में उबल गया जब कहते हैं तब उसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जब कोई द्रव उबलने लगता है तब उसका वाष्प जो दाब परिवर्तित होने के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके द्वारा? आर्द्रता के रूप में, बिंदुतकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, उपयुक्त सभी। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, ऑप्शन ए जो है आपका आर्द्रता के रूप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिट्रिक ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक द्रव्य है, पारदर्शी, अत्यंत वाष्पशील है, एक सुचालक है। शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, ऑप्शन सी जो है आपका अत्यंत वाष्पशील है। अत्यंत वाष्पशील होने के कारण शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है कि भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है? भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका यह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती? चूना डालकर, धावन सोडा डालकर, परफ्यूमेटिक विधि उबालकर। बताइए क्या आंसर होगा। अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है? ऑप्शन जो डी है आपका उबालकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के लिए। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक यदि 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका 2, 8, 13, 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है, बताइए क्या आंसर होगा। C2H2 की सजातीय श्रेणी एल्काइन है तथा इसका IUPAC नाम इथाइन है, जबकि साधारण नाम एसिटिलीन है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती हैं तो बनाती हैं एसिटिक एसिड, ग्लिसरॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, ऑक्लेटिक एसिड, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका
एथिलीन ग्लाइकोल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि एथिलीन जब KMNO4 के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो ऑक्सीकृत हो जाती है, KMNO4 को रंगहीन कर देता तथा ग्लाइकोल बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें विद्युत संयोजी बंध है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी जो है आपका NaC1, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, शरीर में सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि थायराइड हमारे गर्दन में वायुनाल के शीर्ष मार्ग पर स्थित होती है, यह एच के आकार के द्विपालिक अंत स्त्रावी ग्रंथि होती है, इसे थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स निकालता है जिसका काम आहार उपचयी दर को बढ़ाना है। इसकी कमी व अधिकता से हाइपोथायराइड व थायपोराइड रोग हो जाता है, हाइपोथायराइड रोग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार को कहा जाता है, क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण को अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसका किस प्रकार का कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है आपका बहुप्रभावी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, एफ वेटिंग, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, एस वैक्समैन, बताइए क्या आंसर होगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, इंसुलिन का आविष्कार एफ वेटिंग ने किया, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन में जिंक जड़न पाया जाता है, यह अग्नाशय के बीटा सेल से स्त्रावित होता है, इसका काम रुधिर में ग्लाइकोल की मात्रा को समान बनाए रखना है। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम वेटिंग और वेस्ट ने वर्ष 1932 में किया था, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सी टी हार्मोन्स स्त्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायमिटिस मेलिटस किस हार्मोन्स के कम बनने से होती है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगर हैस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती है जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने में पेशियों में संचित करने में सहायता करती हैं, जिसमें रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है, शरीर में इसकी कमी से मधुमेह डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका इंसुलिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है, चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्न में से क्या है, चेतन जीव का मूल अभिलक्षण श्वास लेने की क्षमता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, श्वसन क्रिया अपचयी प्रक्रिया द्वारा होती है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण निम्नीकरण विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकाओं श्वसन भी कहते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, अनऑक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है, इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा, ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा है। जल ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है जबकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है परंतु यह वह ऊर्जा है जो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूखा पर ड्राई आइस कहलाता है, बताइए क्या आंसर होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, कार्बन के विभिन्न रूपों को जिनके रासायनिक गुणों में समानता एवं भौतिक गुणों में अंतर रहता है उसे कार्बन का अपरूप भी कहते हैं, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है, चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, बताइए क्या आंसर होगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत 35% तथा पेशियां 65% में संग्रहित रहता है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़े, अमाशय, वक्र, यकृत। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल से भूकंप की के परिमाण का मापन किया जाता है, इसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।